हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज जो है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत लेट निकला हूँ काम पे, और 5-6 घंटे 7 घंटे करेंगे और फिर जो है उसके बाद आ जाएंगे घर। तो आज यही देखेंगे कि 5 से 6 घंटे या 7 घंटे काम करते हैं पोर्टर में तो कितना अर्निंग हो सकता है। तो आज मैं निकला था घर से 12:15 बजे और 1 बजे जाके जो है ये ट्रिप पे मेरे पास आया है। एक नानकपुरा हरिनगर का है, 166 रुपये का ये ऑर्डर है, पोर्टर में ऑर्डर है। तो इसे मैं जा रहा हूँ अभी पिकअप करने, और ये ऑर्डर जो है मेरे पास आगे पिकअप करने जा रहा हूँ। देखते हैं फिर क्या सामान है उसमें, और कार मार्केट से पिकअप करना है। पूरा ऑर्डर आते ही जो है फ़ोन करके पूरा समझा दिया कहाँ से पिकअप करना है, तो मैं समझ गया हूँ एड्रेस। अब सीधा जा रहा हूँ मैं पिकअप करने और देखते हैं फिर क्या सामान। तो ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया है और ये सामान है, बस 2 पेंट के डब्बे हैं 1-1 किलो के, तो पिकअप कर लिया है मैंने और इसे पन्नी में डलवा के जो है मैंने अपने बैग में डाल लिया है। और इसका रूट अगर बताऊँ तो रूट दिखा रहा था 15 किलोमीटर जो कि विकासपुरी जनकपुरी होते हुए हरिनगर होते हुए, और एक दिखा रहा था 13 किलोमीटर मायापुरी होते हुए। तो वहाँ पर जो है जो ऑर्डर दिए मुझे वो सारा चीज़ पूरा रूट बता दिए कि अगर आप मायापुरी चौक से जाते हो तो मायापुरी चौक से आपको राइट लेना है और 5वीं लालबत्ती से यू टर्न लेके आपके लेफ्ट साइड में पड़ेगा, और अगर आप इधर से जाते हो जनकपुरी होते हुए तो घंटाघर से लेफ्ट लेने के बाद आपको राइट लेना है, तो सीधे हाथ में जो है आपको पड़ेगा। तो भैया पूरा लोकेशन जो है रूट जो है मुझे उन्होंने बता दिया है, और अभी जो है आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा धूप निकल गया है लेकिन कोहरा अभी भी है। तो सुबह मैं लेट उठा, 10 बजे के करीब उठा और निकलने का मूड नहीं कर रहा था, इतना ठंड था भाई साहब। तो मैं सोचा थोड़ा सा धूप निकल जाए फिर काम पे निकलूँ, तब आएगा मज़ा। तो धूप हल्का सा निकला तब मैं निकल गया काम पे 12:15 बजे मान लो आप वही। ये दोस्तों, इस ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद देखते हैं कि वहाँ से हमें कहाँ का ऑर्डर मिलता है नानकपुरा से। तो चलिए करते हैं इस ऑर्डर को। तो हरिनगर में ऑर्डर देने के बाद जो है उसके सामने जस्ट मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया था, तो मैंने जो है मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे ही आया तो ये ऑर्डर जो है मिल गया। ओखला का है इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 का, 281 रुपये का ये ऑर्डर है। तो इसे जो है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब चलता हूँ पिकअप करने। 5 से ही 250 मीटर से पिकअप करना है, तो पिकअप करके देखते हैं कि क्या सामान है। यहाँ पर आते ही जो है ऑर्डर बज गया, तो देखते क्या सामान है और ओखला चलते हैं। तो दोस्तों, ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया है और ये सामान है, आप देख सकते हो ये ऐसे ही दे रहा था। ये कोई गाड़ी का कार का गियर वगैरह है, गियर है, गियर बॉक्स जिसे कहते हैं वो है, सेंट्रो का है शायद। यहाँ पर मैं देखा हूँ कि जहाँ से ये मैंने ऑर्डर पिक किया है वहाँ पे पूरा यही है कि कार का कोई भी सामान आपको पुराना मिल जाएगा, चाहे कार हो, ट्रक हो, कोई भी 3-व्हीलर गाड़ी हो, कोई भी हो, उसका जो है सेकेंड हैंड पार्ट्स यहाँ से मिल जाता है। तो यही शायद कोई मंगाया होगा ओखला में गियर बॉक्स, तो ये जो है मैं लेके जा रहा हूँ। और इसे तो सबसे पहले मैंने इसका वायर थोड़ा मोड़ के और मैंने इसे बैग में डालने का कोशिश किया लेकिन बैग में नहीं आ पाया, तो उसके बाद जो है मैंने इसे ऐसे बांध दिया है। ये थैला मेरे पास था तो इस थैले में डाल के जो है मैंने इसे बांध दिया ताकि अच्छे तरीके से जो है बंद जाए और दिखे ना, वैसे दिखता गंदा सा था ही, दिखता तो अजीब सा लगता है। तो इसे जो है मैंने पीछे बांध दिया है, अच्छे तरीके से हिलेगा भी नहीं। और इसका रूट अगर मैं बताऊं दोस्तों तो 25 किलोमीटर का रूट है, 2 रूट दिखा रहा था, पहला भी 25 किलोमीटर दूसरा भी 25 किलोमीटर। तो जो पहला दिखा रहा था उसमें जाम था करीब 1 घंटा 2 या 3 मिनट दिखा रहा था, और दूसरा रूट था 25 किलोमीटर का उसमें 55 मिनट दिखा रहा था। तो ये जाना था परेड रोड से होते हुए। अब परेड रोड से होते हुए जो मैं आया तो वहाँ पे चेकिंग हो रहा था चेक पोस्ट पे, तो मिलिट्री वाले चेक कर रहे थे तब, क्योंकि 26 जनवरी का टाइम है और अंदर से जो भी आता है उसको ID दिखाना पड़ता है। तो मेरे से भी जो है वहाँ रोक के ही और एंटर करने से पहले ही ID मांगा, तो मैंने ID दिखा दिया, आधार कार्ड, गवर्नमेंट कोई भी ID आप दिखा सकते हो, तो आधार कार्ड मैंने दिखाया और फिर जो है वहाँ से बोले जाओ अंदर होते हुए फिर आ गया, तो कहीं भी जो है उसके बाद नहीं रोका। और अभी जो है मैं करीब 6-7 किलोमीटर और रह गया है,
तो इस ऑर्डर को डिलीवर करते हैं और फिर देखते हैं ओखला से मिलता है या फिर नहीं। भैया ओखला में तो काम बेकार है, तो देखते हैं इसको डिलीवर करने के बाद ओखला से कहाँ का ऑर्डर मिलता है। मैंने ऑर्डर दे दिया है, अब यहाँ से देखते हैं क्या मिलता है, पोर्टर या फिर ऊपर के कोई पैकेज। राइड अभी नहीं करूँगा, राइड करेंगे शाम का टाइम घर जाते वक्त। तो वेट करता हूँ मैं, देखता हूँ कि क्या बचता है, ऊबर या फिर पोर्टर। दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट वेट करने के बाद ही जो है मुझे ये वाला ऑर्डर मिल गया, ओखला से ये वाला ऑर्डर मिला है। 419 रुपये का है, जो कि ऑनलाइन पेड है और दो जगह स्टॉप है इस ऑर्डर में, यानी यहाँ से पिकअप करना है, दो जगह डिलीवर करना है, एक सिविल लाइन्स में और एक देना है पूर्वी शालीमार बाग। तो इस ऑर्डर से मैं पहुँच जाऊँगा सीधा अपने घर के पास और वहाँ से छोटे छोटे ऑर्डर फिर करेंगे पोर्टर में। यहीं पास से पिकअप करना है दोस्तों, 500 मीटर से पिकअप करना है। तो पिकअप करके देखते हैं क्या सामान है और पहला रूट कितने किलोमीटर के दिखा रहा है और दूसरा रूट कितने किलोमीटर के दिखा रहा है और इसमें दोनों मिला के जो है कितने किलोमीटर होता है, वो पूरा जो है हम चलते चलते बात करेंगे। तो दोस्तों ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया है और ये सामान है, आप देख सकते हो दो थैला है जो पीछे एक बंधा हुआ है वाइट कलर में, ये है शालीमार बाग का। और जो ये नीला वाला है थैला पन्नी है उसमें जिसमें ज़्यादा सामान है वो है दोस्तों सिविल लाइन्स का, और ये गीतांजलि सैलून है तो इसी में जो है देना है। तो इसका जो रूट है वो 22 किलोमीटर का है गीतांजलि सैलून का। और जो इसमें यहाँ पर जब मैं गया तो एक और ऑर्डर था पटेल नगर का, तो बोले अगर आप ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, तो मैंने जो है उनको मना कर दिया क्योंकि ये पहले ही इतना सामान था, इसके बाद अगर मैं ये लेता तो ये पूरा जो है ओवरसाइज हो जाता, बाय चांस अगर कहीं रास्ते में रोके तो दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं आप दूसरा पोर्टर कर दो। तो ये आप देख सकते हो, ये आया पोर्टर वाला लेने के लिए और ये ले जा रहा है। तो इसको जो है एक पटेल नगर का दिया है और एक द्वारका का दिया है। तो 250 का इसका पटेल नगर का था, वहाँ से भी 150 या 200 का कुछ होगा द्वारका का। तो ये बंदा कह रहा मुझे द्वारका ही जाना था, तो मैं जो है ले लिया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं डिलीवर कर चुका हूँ सिविल लाइन्स में गीतांजलि सैलून मैदंस होटल में जाके। तो यानी पहला ऑर्डर जो है मैं डिलीवर कर चुका हूँ अभी मैं बता रहा हूँ, और दूसरा ऑर्डर जो है मैं दूसरा जो थैला वो जा रहा हूँ डिलीवर करने शालीमार बाग, यहाँ से 11 किलोमीटर का रूट है। तो दोस्तों अंदर जो होटल मैं ये डिलीवर किया हूँ, वाइट कलर की बिल्डिंग, एकदम मस्त सा होटल और सैलून भी एकदम लग्जरी था। तो उसमें जो है मैंने दे दिया और बिल मैं भूल गया था, तो बिल में फिर से लेने आया, बिल में बिल दे के जो है फिर उसमें रिसीविंग लिया, और रिसीविंग अभी मेरे पास है घर पे जाके जो है वहाँ से भी रिसीविंग लेके, और फिर बोले आराम से आप भेज देना कोई दिक्कत नहीं है। तो शालीमार बाग जो है यहाँ से 11 किलोमीटर दिखा रहा था और लगभग 3-4 किलोमीटर आ गया हूँ मैं। और अब जो है यहाँ से शालीमार बाग से हो सकता है कि शाम हो जाएगा, तो हो सकता है कि मैं कोई ऑर्डर वगैरह करूँ छोटा छोटा और फिर उसके बाद जो है घर निकल जाऊँ। तो दोस्तों अभी मैं शालीमार बाग में और यहाँ पर जो है मैंने ऑर्डर दे दिया है, और अगर अभी टाइम बताऊँ तो 6:29 यानी 6:30 बज गए और बहुत टाइम लग गया ऑर्डर देने में, वहाँ भी टाइम लगा, यहाँ भी जाम था रास्ते में। तो अभी मैंने ऑर्डर दिया है ये, और इसमें आप देख लो 419 का ऑर्डर था और 418.9 पैसे यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है, सुबह से ही देख रहा हूँ मैं। और ठंड भी अभी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो निकल तो सही है कि वहाँ से ओखला से जो है मुझे शालीमार बाग का मिल गया, यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर घर है मेरा। तो देखता हूँ यहाँ से ऊबर पे कोई अगर राइड मिल जाएगा उधर का घर के साइड का तो ले लूँगा, नहीं तो फिर यहाँ से जो मैं सीधा घर निकल रहा हूँ। तो दोस्तों वहाँ मॉल में जो है ऑर्डर देने के बाद मैं थोड़ा साइड में मॉल से बाहर आया और ऊबर में होम रूट लगाया ही था कि ये वाला ऑर्डर, ये वाला राइड जो है आ गया है, यानी ऑर्डर ही है, पैकेज है ऊबर में ऊबर कनेक्ट का, और ये हैवी सेक्टर 9 का रोहिणी का, यानी वही यहाँ से फिर 1.5 से 2 किलोमीटर घर मेरा। तो 9 में जो है ऑर्डर देने के बाद जो है मैं सीधा घर निकल जाऊँगा। और पैसे जो है अभी दे दिया, यहाँ पे 70 रुपये दिया है, कह रहा था कि 64 रुपये शो हो रहा है। तो यहाँ से हैवी 5 किलोमीटर है सिर्फ सेक्टर 9 शालीमार बाग से, तो 64 रुपये शो हो रहा है, 70 रुपये इसने मुझे दिया है, तो वही 58 या 55 रुपये जो है ऊबर मुझे देगा। तो देखते हैं वहाँ पे ट्रिप एंड करने के बाद कितने रुपए देता है और फिर मैं आपको पूरा टोटल अर्निंग बताता हूँ, वहाँ से जो है सीधा मैं घर निकल जाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऊबर का मैंने ऑर्डर दे दिया है सेक्टर 9 में, लाल ज्योति अपार्टमेंट है इसमें,
और अर्निंग का अगर बात करूँ तो अर्निंग 3 ट्रिप मैंने पोर्टर में कंप्लीट किया है जिसका होता है 692 रुपये और 51 रुपये जो है एक ट्रिप यानी ऊबर में कंप्लीट किया है तो उसका होता है 900 उसका होता है 51 रुपये तो ये टोटल हो जाता है 743 रुपये 743 रुपये ये हो जाता है। 5 रुपये इसने एक्स्ट्रा दिया 748 और 2 रुपये या 1-2 रुपये आप ऐसे जोड़ दो तो 750 का काम होता है 750 का हुआ है और कल भी इतने का ही हुआ था इसके आसपास ही हुआ था तो 750 में से जो है आप बाइक अगर मैं बता दूँ तो बाइक करीब 87 किलोमीटर चला है 87 यहाँ से जाऊँगा मैं तो यहाँ से घर तक जो है मेरा बाइक 87 किलोमीटर चल जाएगा तो 87 का जो है आप 150 का मान लो 150 का पेट्रोल हटा दो तो पूरा यहाँ पर जो है 600 रुपये बचता है। कल 628 या कुछ बचा था और आज जो है 600 रुपये बचा और अभी अगर टाइम बता दूँ मैं तो टाइम हो गया है 7:20 और 10 मिनट जो है मुझे यहाँ से जाने में लगेगा 7:30 बज जाएगा तो वही है कल मैंने किया कल 11 बजे आया था और 8 बजे तक गया था और आज वही 12:15 निकला 1 बजे ऑर्डर मिला और अभी जो है 7:30 तक घर पहुंच जाऊंगा तो वही 7 घंटा आप मान लो कि 7 घंटे जो है काम किया मैंने 600 रुपये बचे हैं। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।